फिल्म मकड़ी तो मशहूर हुई श्वेता बसु प्रसाद ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल तो की थी। श्वेता बसु नु इंडस्ट्री च आए 11 साल हो गए ने। इन सालों दे विच उन्होंने हर चंगा बुरा समा देखा। उन्होंने कई फिल्मों ते सीरीज दे विच भी काम किया है, पर उसकी जिंदगी दे विच एक अजिहा समा आया सी जदों वो लंबे समय तक इंडस्ट्री तो गायब हो गए। हुण भावे श्वेता 33 साल दे हो चुके ने, पर बाल कलाकार वजो उसकी छवि अज भी दर्शकों के मन विच बनी हुई है। टीवी तो फिल्मा तक का सफर तय करने वाली श्वेता 2002 च रिलीज हुई फिल्म मकड़ी नाल छोटी उम्र च वड्डी पहचान मिली सी। फिल्म च शबाना आजमी दी नजर आई सी। फिल्म च श्वेता का डबल रोल सी, इस कारण ते दूसरी बड़ी होशियार कुड़ी सी। इस फिल्म ने उस नूं सर्वोत्तम बाल कलाकार दा अवार्ड मिलिया सी। एक स्कैंडल दे विच अदाकारा उलझ गई सी श्वेता बसु, हालांकि इस तो बाद अचानक कितने गायब हो गई। फिर साल 2014 विच खबर आई जिसने सारा नूं हैरान कर दिता। श्वेता बसु नूं हैदराबाद दे एक होटल दे विच छापेमारी दौरान गिरफ्तार किया गया सी। उसनु 2 महीने तक रेस्क्यू होम दे विच रखा गया सी। रेस्क्यू होम तो बाहर आउन तो बाद अदाकारा ने दस्या सी कि वो एक रिवार्ड फंक्शन दे विच हैदराबाद गई सी। वापसी दौरान वो अपनी फ्लाइट मिस कर गई, इसलिए वो रिवार्ड फंक्शन दे मैनेजर ने उसनु एक होटल दे विच ठहराया सी। श्वेता अनुसार जिस रात उथे रुकी सी, पुलिस उथे आई ते उसनु गिरफ्तार कर लिया। श्वेता मुताबिक इवेंट मैनेजर नु भी गिरफ्तार कर लिया गया सी। हालांकि इस घटना तो बाद अभिनेत्री नु देह व्यापार दे कलंक दा सामना करना पिया सी। कई रिपोर्टां दे विच इह भी दावा कीता गया कि गिरफ्तारी तो बाद अभिनेत्री ने खुद नु बेसवा गमनी करन दी गल कबूली है, पर रेस्क्यू होम तो बाहर आके उसने जिहियां अफवाहां फैलाउण वाले नूं धारणा कीती सी। धर्मिंदर ते हिमामेलिनी दी धी ईशा देओल दा तलाक हो चुका है। भारत तख्तानी नाल विआह दे 12 साल बाद चूहे ने फरवरी 2024 दी शुरुआत च अपने वक्त होने का ऐलान किया सी। हुण तलाक दे 6 महीने बाद ईशा फिल्मां दे विच वापसी करन लई तैयार है। एक हाले फिल्म दे इवेंट दौरान ही फिल्म नाल जुड़ी एक वीडियो वायरल हो रही है, जिस विच ओह बेहद खूबसूरत लग रही है। ईशा देओल 12 अगस्त 2024 नूं विक्रम भट्ट दे एक समागम विच शामिल हुई। उस विच विक्रम भट्ट ने अपनी 4 आउण वालियां फिल्मां दा ऐलान किया, जिन्हां दे नाम ने रण, विराट, तू मेरी पूरी कहानी अते तुमको मेरी कसम। फिल्म तुमको मेरी कसम च ईशा देओल लीड रोल निभाएगी। उन्होंने तो इलावा इस फिल्म च अनुपम खेर, अदा शर्मा अते इशवाक सिंह भी लीड रोल च होणगे। इस फिल्म दा निर्देशन विक्रम भट्ट कर रहे ने, जो कि डॉक्टर अते मुरड़िया दे जीवन तो प्रभावित है। ईशा देओल ने कई बॉलीवुड फिल्मां दे विच काम कीता है, इन्हां विच तूं ना तुम चाहो ना हम वर्गियां फिल्मां शामिल ने, ते हुण एक बार फिर तो वो बॉलीवुड दे विच वापसी करन दे लई पूरी तरह तैयार ने। एक दहाके तो वाद समय तो पंजाबी मनोरंजन जग च एक्टिव गुरु रंधावा संगीत प्रेमियों की पहली पसंद रहे ने। गुरु रंधावा की फैन फॉलोइंग पंजाब तो भी बाहर वड्डी मात्रा दे विच है। गायक इस समय फिल्म शाहकोट नू लैके लगातार सुर्खियां बटोर रहे ने। इस तो पहला गायक ने हिंदी सिनेमा च डेब्यू फिल्म कुछ खट्टा हो जाए नाल कीता सी। इस नाल ही गायक सोशल मीडिया से काफी एक्टिव भी रहिंदे ने, तस्वीरां ते वीडियोस लगातार अपने फैंस नाल शेयर करदे रहिंदे ने। ते हुण गुरु रंधावा दे वल्लों एक अजिही वीडियो सोशल मीडिया ते शेयर कीती गई है, जिस दे विच उन्हां दा मस्ती भरिया अंदाज नजर आ रहा है। असल वीडियो विच गायक बच्चों नाल बंटे खेल रहे ने। बच्चों दे कहण ते ओह बंटियां दे निशाना साधदे होए भी नजर आ रहे ने। गायक दा वीडियो फैंस वल्लों काफी पसंद किया जा रहा है। इस पोस्ट नूं शेयर करदे हुए गायक ने लिखा है कि बच्चों नाल बच्चे बन जाना भी किन्नी चंगी गल है। मैनूं लगदा है कि सारियां गल्लां दा इही हल है। शाहकोट 8 अक्टूबर नूं रिलीज होण जा रही है। इस वीडियो नूं फैंस दा काफी प्यार मिल रहा है ते ओह कमेंट करके अपना प्यार दिखा भी रहे ने। मशहूर स्टैंड अप कमेडियन मुनवर फारूकी एक बार फिर तो विवादां दे विच घिर गए ने। इस बार महाराष्ट्र के कोंकण च रहने वाले लोकल उन्होंने ने कुछ अजिहा कह दिता, जिस नाल भाजपा के शिवसेना संदीप धड़े नूं गुस्सा भी आ गया। दोवां धिरां ने वार्निंग दिती है कि जेकर मुनवर ने माफी ना मंगी तां उन्हां नूं सबक सिखाया जाएगा। हालांकि विवाद वाधा दे के मुनवर माफी मंगते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि किसी तरह नूं ठेस पहुंचाने का कोई भी मकसद नहीं सी। दरअसल मुनवर फारूकी ने एक शो किया सी, जिस उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण भाईचारे ते टिप्पणी की सी अते अपमानजनक भाषा की वरतों की सी। मुनवर ने कोंकण भाईचारे के लोगों के लिए गाली का इस्तेमाल किया, जिस शब्द की वरतों मुनवर ने अपने मजाक शब्द विच कीती सी, उस ते ही विवाद हो गया। शिवसेना दे एकनाथ शिंदे धड़े ने इस दा विरोध कीता ते नाल ही ट्वीट करते हुए कहा कि जे पाकिस्तानी प्रेमी मुनवर फारूकी ने माफी नहीं मंगी तां जिथे नजर आवेगा उसकी कुटमार कीती जाएगी, ते जो भी मुनवर नूं कुटेगा उसनूं असीं 1 लाख रुपए का इनाम देवांगे। हालांकि विवाद वधदा दे कमेडियन मुनवर ने माफी मंग ली। उन्होंने एक वीडियो दे विच संदेश जारी करते हुए कहा कि ए सिर्फ टिप्पणी, एक मजाक सी, मेरा किसी दीआं भावनां नूं ठेस पहुंचाउण दा कोई भी इरादा नहीं सी। सो हाय दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करने आया था, एक्सप्लेन करने भी आया था। और एक कुछ वक्त पहले एक शो हुआ था और जिसमें जोक भी नहीं कहेंगे, क्राउड वर्क हो रहा था, ऑडियंस से इंटरेक्शन हो रहा था, एंड उसके चलते कोकन के बारे में कुछ बात निकली। और मुझे पता था कि तलोजा में बहुत कोकनी लोग रहते बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया है वो चीज़ और लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि मैंने कोकन के बारे में कुछ बुरा बोला है, कि मैंने कोकन का मजाक उड़ा है।
तो नहीं दोस्तों, मेरा इंटेंशन बिल्कुल वो नहीं है। मैं अभी भी वही कहना चाहूँगा कि मेरा जो वो इम्प्रोव था, वो क्राउड वर्क था, उसमें कॉन्वर्जेशन में ही वो चीज़ मेरे मुँह से निकली, लेकिन मैंने अभी देखा कि कुछ लोग हर्ट हो रहा है, और मैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन और जो मेरा काम है हंसाने का, मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है। मैंने जिस पे जोक किया था, वो लोग ने भी बहुत इन्जॉय किया था, और शो पे भी बहुत सारे सब लोग थे, मराठी लोग थे, मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, सब लोग थे। बट अब इंटरनेट पे जब इस तरह की चीज़ आती है और ऐसी चीज़ हमारे सामने आती है तो पता चलता है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ग्लोबल स्टार शाहरुख खान 17वें लोकार्पण फिल्म फेस्टिवल विच पार्डू अल्ला कैरियरा अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। दर्शकों नाल गल करदे हुए शाहरुख खान ने मजाक नाल शुरू किया, इन्ने प्यार नाल मेरा स्वागत कर लिया, थोड़ा बहुत धन्यवाद। ए बाहां जो मेरी स्क्रीन ते हुंदियां ने, तुहाडियां बाहां नालों कितें भी छोटियां ने। शाहरुख ने कहा कि एक बहुत ही सुंदर सभ्यता कलात्मक अते जीवंत शहर है। उन्होंने कहा कि मैं इस उपलब्धि लई सब दा बहुत धन्यवाद करदा हां, ते मैनूं पूरे भारत वर्गी फीलिंग आ रही है। लोकार्पण विच अवार्ड ना सिर्फ शाहरुख की प्रसिद्ध फिल्म सुनाया है, सगो सिनेमा ते उसके प्रभाव नूं उजागर करता है। मशहूर कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे सोढ़ी यानी गुरचरण सिंह बारे हंजन खुलासा हुआ है। खुद गुरचरण ने दसिया कि उन्होंने ते 1.2 करोड़ रुपए का कर्ज है, ते कई दिनों तों उन्होंने ठीक तरह नाल खाना भी नहीं खादा। वो आश्रम च पाठ तों बाद मिलन वाले समोसे, रोटी, चाह ते पकौड़ा नाल गुजारा कर रहे ने। गुरचरण ने सिद्धार्थ करण दे शो ते अपनी दर्द भरी कहानी सांझी कीती है। गुरचरण दस्सिया कि मैं चंद दिनां तों ठीक तरह खाना नहीं खादा, मैं गुरु जी दे आश्रम चला जांदा हां, पाठ तों बाद कदे समोसे, कदे रोटी ते कदे चाह पकौड़े वजे प्रसाद मिलदे ने, ते उस नाल अपना ढिड भरदा हां। गुरचरण ने दस्सिया कि पिछले 4 सालां तों परेशान हो रहा है, उसने बहुत कुछ करन दी कोशिश कीती पर कामयाबी नहीं मिली। गुरचरण अनुसार उसने कारोबार करन दी कोशिश भी कीती ते एक्टिंग दे विच नवां काम लभ्या, पर उसनूं कोई काम नहीं मिलिया ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ EMI ਦਾ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਾਰ ਉਸਨੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜੈਨੀਫਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਬੰਸੀਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੈਨੀਫਰ ਮਿਸਤਰੀ, ਬੰਸੀਵਾਲ ਨੇ ਅਮਿਤ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਸਿਪ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਦਾ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਯੂਕੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਦਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੰਦਾ ਬਾਣੀ ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਆਸੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਬੱਚਨ ਤੇ ਨਵਿਆ ਨਵੇਦੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।